हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब लोग एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की तरह काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे साथ है डीएसओ, जो कि यूनिक कंपनी का है, जिसको हम डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कहते हैं, जिससे हम यहाँ पे I2C लाइन वगैरह चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये 100 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। इसका मॉडल ये है, यूनिट और यूनिट प्लस आ चुका है। और अगर आप इसमें देखोगे तो दो चैनल आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लाइन को ऊपर नीचे करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो यहाँ पे दोनों चीज दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पूरी सेटिंग होती है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ऑटो कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट टाइम जब लेंगे तो इसको बस एग्जीक्यूट करना होता है। बस इसमें दो चैनल है, एक तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स, जो कि एक्स चैनल, और यह है वाई चैनल। और आपको सेकंड और डिवीजन पर सेकंड नैनो सेकंड यहाँ पे करना है, तो सेकंड से लेकर नैनो सेकंड तक आप चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में मिली वोल्ट से लेके वोल्टेज तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब चैनल वन आप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैनल वन पे ऑन है। अगर चैनल टू पे करेंगे तो चैनल टू यहाँ पे येलो कलर का मार्क आ जाएगा, यानी दोनों चैनल यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। देख सकते हैं ये चैनल टू है, ये चैनल वन है। अगर क्लॉक और डाटा एक साथ चेक करना चाहते हैं तो दो चैनल पे रखिए। यहाँ पे सेकंड चैनल जो सेट हो गया हमारा 100 मिली वोल्ट पे, और चैनल वन जो है 1 वोल्ट पे यहाँ पे सेट है। अभी तो मैं चैनल टू जो है यहाँ से अभी यूज करना नहीं चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड और यहाँ पे वोल्टेज सेट करना है, और इसके अंदर जो ऑलरेडी चेक करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज तक की, 1 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी होती है, चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10x पे आपको रखना है यहाँ पर। और यहाँ पे सेटिंग में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे F4 में आप देखोगे तो 10x पे आपको यहाँ पे सेट करके यहाँ पे प्रोब को रखना है। दोनों जगह पे 10x होना चाहिए, इसके अंदर भी आपको 10x होना चाहिए और यहाँ पे भी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड के लिए होता है पिन, यहाँ पे भी आपको ग्राउंड दिया गया है, या फिर यहाँ पे भी ग्राउंड है, या फिर अगर आप चाहो तो इससे आपको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो दो चैनल का मेरे पास प्रोब है, तो अभी मैं इसमें आपको क्लॉक डाटा लाइन कैसे चेक करते हैं ये बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सेट भी है, हालांकि आप इसमें अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर टच की फ्रीक्वेंसी, या फिर I2C क्लॉक डाटा, या फिर जो आपकी क्रिस्टल की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है 19.2 मेगाहर्ट्ज हो, या 26 मेगाहर्ट्ज हो, या 38.4 जो कि लेटेस्ट 5G में आ रही है, सारी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। डीएसओ का अभी तक के पूरे YouTube पे आप चेक कर लीजिए, इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं। फोन फिट हैदराबाद में जितने स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग लाइव यहाँ पे डीएसओ के चेकिंग बताते हैं, जिसमें ऑडियो के सिग्नल हो, या स्विचिंग लाइंस हो, या USB की आपकी लाइन हो, या MIPI प्रोटोकॉल हो, या फिर SPI प्रोटोकॉल हो, या I2C प्रोटोकॉल हो, या फिर बेसमेंट क्लॉक हो, RF क्लॉक हो, सारा चीज यहाँ पे स्टूडेंट को चेक करके बताते हैं कि बोर्ड में कहाँ कहाँ पे चेक करना है। इस तरह का आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि इसमें चेक कहाँ पे करें। तो बहुत सारे टेस्ट पॉइंट्स होते हैं जो हम लाइव स्टूडेंट को क्लास में सिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक हैंडसेट है, जिसमें मैंने यहाँ पे पास से बताना चाहूंगा मैं, देख सकते हैं दो तार मैंने यहाँ पे जम्पर किए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रोब मैंने लगा लिया है आपको ग्राउंड पे, ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से बताना चाहूंगा आपको एक प्रोब, ये वाला प्रोब हमको लगाना है ग्राउंड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने लगा लिया है ग्राउंड। अब मैं ये वाला प्रोब से यहाँ पे जैसे चेक करूंगा, तो यहाँ पे आप डीएसओ में देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स लगाना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप डीएसओ में देख सकते हैं, जैसे ही मैंने क्लॉक पे यहाँ पे लगाया है, तो ये देख सकते हैं क्लॉक के पल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूं तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ फ्रीक्वेंसी क्लॉक की यहाँ पे नहीं बन रही है फ्रीक्वेंसी, क्लॉक के पैकेट्स यहाँ पे नहीं आ रहे। देखिए मैं वापस से यहाँ पे क्लॉक के यहाँ पे लगा रहा हूँ प्रोब पर, तो आप देख सकते हैं क्लॉक वापस से यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लॉक तो बन रहा है, लेकिन क्लॉक पहले बनेगा उसके बाद आएगा डाटा। तो डाटा कब आएगा फ्रेंड्स, जब यहाँ पे हम टच को टच करेंगे। यहाँ पे अब मेरे पास ये दूसरा तार है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाटा पे टच कर रहा हूं, अभी मैंने डाटा पे टच किया है, लेकिन कोई यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने
स्क्रीन पे टच किया तो यहाँ पे डाटा के पैकेट्स आ रहे हैं, देख सकते हैं। वापस से मैं बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं जैसा मैं हाथ लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ का कहाँ का मैं टच कर रहा हूँ वही यहाँ पे आपको सिग्नल शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 भी अगर आप दबाना चाहो ये देख सकते हैं, जब मैं टच करूंगा तभी यहाँ पे डाटा के पैकेट्स आ रहे हैं। आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, छोटा करके देख सकते हैं, या फिर इस तरह से टच करिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सारी फ्रिक्वेंसी वहां पे बता रहा है। मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट और 10 माइक्रो सेकंड में रखा है, देख सकते हैं। जैसे मैंने हाथ हटा लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक कैसे बन रहे। बहुत बच्चे टच को बदल के देखते हैं कि दूसरा टच लगा के देखते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर अगर उनको डीएसओ चलाने आता है तो ये डीएसओ से हमने यहाँ पे क्लॉक और डाटा चेक करना बताया। देख सकते हैं वापस से क्लॉक के मैं बताता हूं आपको, देख सकते हैं क्लॉक के जो पल्स आते हैं, जो फ्रिक्वेंसी बनती है इस तरह से बनती है। डाटा में लॉजिक लो लॉजिक हाई टाइप की बनती है, इसमें आपको इस तरह की बनती है। ये देखिए क्लॉक का मैंने हटा दिया, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे मैं टच कर रहा हूँ, ग्राउंड से आपको कुछ सिग्नल नहीं आएगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं वापस से मैं क्लॉक पे टच किया हूँ, क्लॉक का यहाँ पे सिग्नल आ गया, जैसे मैं हाथ हटा देता हूँ चला जाएगा। और इस वायर को मैं नीचे वाले वायर पे टच कर रहा हूँ, अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, जैसे मैं हाथ लगाऊंगा ये देख सकते हैं। तो इस तरह का अभी तक YouTube पे आपको एक भी वीडियो देखने नहीं मिलेगा। ये तो हो गया फ्रेंड्स टच की फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें चेक करेंगे नेक्स्ट क्रिस्टल को कैसे चेक करना है, क्योंकि क्वालकॉम में आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का आता है, तो मेरे पास अभी एक क्वालकॉम बेस्ड चिपसेट है, तो मैं इसमें आपको क्रिस्टल के जो फ्रीक्वेंसी है क्लॉक है वो बन रही है कि नहीं बन रही है बताऊंगा। आप क्रिस्टल पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर बेसबैंड क्लॉक के लिए सर्किट में एक 0 ओम्स का रजिस्टर होता है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। कहीं कहीं में टेस्ट पॉइंट देता है, या मीपी लाइंस में भी टेस्ट पॉइंट आपको देखने मिल जाएगा, या फिर आपको एसपीआई प्रोटोकॉल में भी टेस्ट पॉइंट देखने मिल जाएगा। और डीएसओ का सिर्फ सिग्नल नहीं, स्विचिंग लाइंस भी आप चेक कर सकते हैं कि जहां जहां भी आपको बग पॉइंट्स या बूस्ट कॉइल मिलते हैं वहां पर स्विचिंग हो रही कि नहीं हो रही, ये सारा चीज आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लाइव क्लास में सिखाता हूं। एक दिन पूरा डीएसओ का क्लास होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें स्टूडेंट को बताते हैं कि डीएसओ कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको बोलेंगे डीएसओ दोस्तों कुछ नहीं होता है, बेकार है, दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर उसको चलाना नहीं आएगा तो वो बोलेगा कि बेकार है, आपको यूज करने आना चाहिए। कई सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा आज तक सही तरीके से डीएसओ पे किसी ने भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला है, आप ढूंढ लीजिए सारे इंस्टीट्यूट पे ढूंढ लीजिए, कोई भी आपको डीएसओ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं बताएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 1 वोल्ट 10 माइक्रो सेकंड पे आपको रखना है, और आपको ग्राउंड के साथ एक प्रोब लगा देना है, मोबाइल को ऑन करना है, ऑन करके टच को चेक करना है। अगर आप क्रिस्टल को चेक करना चाहते हैं तो आपको चार्जर लगा के चेक करना होगा, या फिर मोबाइल ऑन है तब भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम चेक करने वाले हैं क्रिस्टल को, तो यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं एक 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल है जो कि क्वालकॉम चिपसेट में आता है। तो अब हम इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड पे टच कर दिया है, और ये पॉइंट से हम अभी चेक करेंगे। यहाँ पे आपको सेट करना है 200 मिली वोल्ट पे, और यहाँ पे 500 नैनो सेकंड। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्रिस्टल पे टच करूंगा ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज एग्जैक्टली बन रही है। थोड़ा नजदीक से बताना चाहूंगा मैं, डिस्प्ले लेकर आओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.2 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब यहाँ पे देखिए मैं ग्राउंड पे लगा रहा हूँ, तो ग्राउंड पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे ग्राउंड से लगाने पे। यहाँ पे बताना चाहूंगा देख सकते हैं ग्राउंड पे मैंने टच किया है, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो आपको टच कहाँ पे करना है ये आपको सीखना है प्रॉपर। तो वापस से मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्रिस्टल पे, तो ये देख सकते हैं 19.2 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो हमारा जो है सारा का सारा फ्रीक्वेंसी क्लॉक सिग्नल प्रॉपर बन रहा है। इसके अलावा फ्रेंड बहुत सारे टेस्ट पॉइंट होते हैं डीएसओ से चेक करने के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल में, तो वो सारी चीज हम क्लास में लाइव बताएंगे स्टूडेंट्स को कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करें। अगर एमटी के चिपसेट लेंगे तो उसमें कुछ अलग फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्वालकॉम में कुछ अलग बनेगी। इसके अलावा हमने पहले आपको टच की चेकिंग बताई कि क्लॉक और डाटा लाइन कैसे यहाँ पे जनरेट हो रही है, और अभी जो है यहाँ पे हमने आपको क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मीटर भी हमारे पास है, अगर आपके पास डीएसओ नहीं है थोड़ा सा महंगा रहता है, 25,000 के आसपास मिलता है। अगर आप 11,000, 12,000, 10,000 के आसपास लेना चाह रहे तो ये भी ले सकते हैं मल्टीमीटर। इस तरह के डीएसओ मल्टीमीटर में भी आप चेक कर सकते हैं। एक बार मैं इसमें भी बताना चाहूंगा, तो इसका प्रोब हटा लेते हैं यहाँ से, और ये वाला यहाँ से हटा लेते हैं, और अभी जो हम चेक करेंगे इस मल्टीमीटर में, तो इसमें भी आपको ग्राउंड वापस से टच कर देना है।
ग्राउंड पे प्रॉपर कनेक्ट कर देंगे। और मैं क्रिस्टल पे जैसे ही चेक करूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारा बन रहा है, देख सकते हैं 19.2। और यहाँ जैसे मैं हटाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ से चला गया यहाँ पे। अब वापस से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए वापस से मैं क्रिस्टल पे टच करूंगा और यहाँ पे वापस से हमारा सिग्नल बन रहा है, देख सकते हैं क्लॉक फ्रिक्वेंसी बन रही है, जनरेट हो रही है। तो आप इस तरह के मल्टीमीटर से भी चेकिंग कर सकते हैं, डीएसओ से भी कर सकते हैं। फोनफिक्स हैदराबाद में सारे एडवांस टूल है, यहाँ पे आपको थर्मल कैमरा मिल जाएगा, डीएसओ मिल जाएगा, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो आपको लाइव क्लास में बताते हैं, नए नए टूल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि यूएफआई हो, इजी अटैक हो, मिपी टेस्टर हो, हार्डवेयर के भी सारे लेटेस्ट टूल मिलेंगे और सॉफ्टवेयर में भी आपको दोनों लेटेस्ट टूल पे काम सिखाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स वही बच्चा आगे जाकर के एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनता है जिसके पास सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, हम लोग स्टूडेंट को हर एक टूल से सिखाते हैं, क्योंकि डीएसओ का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपके पास डेड मोबाइल्स आते हैं या आपको टाइम को बचाना है। अगर आपके पास काम बहुत ज्यादा आता है, आपको टाइम बचाना है, तो सिग्नल फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। मार्केट में अंदाजे पे काम करते हैं, तो अंदाजे पे आंख बंद करके आप अंधेरे में गोली लगाएंगे तो निशाने पर एकाध गोली लग जाएगी। लेकिन अगर आप सीखेंगे, आप अच्छा प्रोफेशनल तरीके से आप शूट करना सीखेंगे, तो आप सेंटर पॉइंट पे आप डायरेक्टली गोली मार सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आपको यहाँ पे प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाते हैं, अंदाजे पे या अंधाधुन काम नहीं सिखाते। यहाँ पे आपको डायग्राम सिखाएंगे, बगैर डायग्राम का काम होता है ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बगैर डीएसओ के भी आप काम कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बगैर नॉलेज के आप काम कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सिर्फ आईसी लगाना निकालना मार्केट में सिखाया जा रहा है, लेकिन आईसी लगाना निकालना 2 से 3 दिन में यहाँ के बच्चे करते हैं। आपको उसके आगे जाना है, सीपीयू तो आप 4 दिन में डाल देंगे, डबल लेकर तो आप 1 घंटे में बना लेंगे, ब्लैक पेस्टेड तो आप 4 दिन में मास्टर बन जाएंगे। ब्लैक पेस्टेड के इजी ट्रिक यहाँ पे बताते हैं, फंस जाते हैं तो फॉल्ट फाइंडिंग में, डायग्नोसिंग मेथड में, डेड मोबाइल को बनाने में आप फंस जाते हैं। सीपीयू के वोल्टेजेस, रैम के वोल्टेजेस, ईएमएमसी के वोल्टेजेस क्या है, पावर के अंदर कितने सेक्शन है, कंट्रोल सेक्शन में क्या है, VREG1 VREG2 क्या है, LDO लाइन्स में क्या बनते हैं, मॉडेम की सप्लाई क्या होती है, एपीसी कोर की सप्लाई क्या होती है, मेमोरी की सप्लाई क्या होती है, डी रैम एस रैम की वोल्टेज क्या बननी चाहिए, बक लाइन LDO लाइन्स, लोअर LDO हायर LDO, कितना फ्रिक्वेंसी बननी चाहिए, कितना आपको सिग्नल आना चाहिए, कहां पे कौन सा सिग्नल आता है, ये सब चीज फोनफिक्स हैदराबाद में आपको सिखाया जाता है। दोस्तों अगर आप इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, 10-20 हजार में भी आप बच्चों को बुलाया जा रहा है, टाइम पास कराया जा रहा है, वो भी टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमारे टीचर तो सिखा रहा है बट हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो फील्ड छोड़ देते हैं। दोस्तों टीचर अगर अच्छी तरीके से सिखाएगा तभी एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से काम कर सकता है। फोनफिक्स हैदराबाद में पूरी टीम है, यहाँ पे आप देखेंगे एमएमसी का एक अलग टीचर है, हार्डवेयर प्रैक्टिकल के एक अलग टीचर है, डायग्राम वगैरह सर्किट को समझाने के लिए अलग टीचर है, एक्स्ट्रा आपके पास आपको हैंड स्किल बनाने के लिए सुबह 2 घंटे रात में 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 10-12 घंटे की क्लास होती है, 20 दिन की ट्रेनिंग में आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बैच हमारा जो है 27 मई का बुकिंग चल रहा है, फ्यू सीटें लेफ्ट है, व्हाट्सअप करके कॉल करके जुड़ जाइए हमारे साथ। सिर्फ टीचर का काम देखने के लिए मत जाइए, सिर्फ थाली मारने के लिए मत जाइए, खुद काम करिए, खुद सीखिए। दुकान पे आपको बैठना है, आपको डायग्नोस करने आना चाहिए, कोई भी हैंडसेट हो आपको चेक करने आना चाहिए, क्रिस्टल की चेकिंग आपको आनी चाहिए, पावर सही है कि नहीं है, टेस्ट पॉइंट्स होते हैं वो हम आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे, चार्जिंग आईसी डीसी टू डीसी सही है कि नहीं उसके टेस्ट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं आपको एक एक चीज बताते हैं। बूट सीक्वेंस, मार्केट में सिर्फ कॉइलिंग के पास का वोल्टेज बताया जाता है, उसको बूट सीक्वेंस नहीं बोलते हैं फ्रेंड। कौन सा वोल्टेज कब बनेगा, किसके बाद बनेगा, मीडियाटेक में क्या है, क्वालकॉम में क्या है, ये हम क्लास में बताते हैं। अगर अच्छे से सीखना है ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। जिस तरह से आप अभी तक सपोर्ट करते आए हमारे चैनल को, ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे नॉलेजेबल और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, जहां पे आपको हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले पे आ जाएगी और आप हमारा इस तरह से कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में जाइए, वीडियोस की बहुत सारे हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, एमएमसी के बहुत सारे सॉल्यूशंस की वीडियोस है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, एक बार व्हाट्सअप करके बात जरूर कर ले हमसे कि हम कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं आपको। और अपने हाथ से काम करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह का प्यारा सा कमेंट नीचे देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.